हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग जानेंगे कि फीस स्ट्रक्चर क्या क्या है और कौन से कोर्सेज के कितने फीस हैं, क्योंकि इसके भी कमेंट आ रहे हैं आजकल कि भाई इसकी फीस कितनी, इसकी फीस कितनी है। तो सोच रहा है एक वीडियो ही बना दे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले आप अपना जो भी सिस्टम हो ऑन कर लीजिए एंड देन सर्च मारिए। जैसे इस पे गए और यहाँ पे आपको सर्च करना है, फुल स्क्रीन ले लेते हैं, मणिपाल यूनिवर्सिटी जयपुर, ये वाला ऑप्शन आ गया। एंड देन इसमें अब आपको ऊपर में कोई नहीं देखना है, इसका ऑफिशियल वेबसाइट देखना है। तो ये रहा मणिपाल, तो HTTP ये वाला है, ठीक है। तो इस पे यहाँ पे टिक कर दिया हमने एंड नेटवर्क के हिसाब से टाइम लेगा। तो ये हमारा ऑफिशियल वेबसाइट खुल गया मणिपाल का। अब इसमें आपका जो ये एडमिशन सेक्शन है यहाँ पे गए, ठीक है, सिंपल है, सब कोई ध्यान से देख लो। अब मुझे कमेंट मत करना इसके लिए। तो आपको एडमिशन्स पे टिक करने हैं एंड देन आपको एडमिशन्स पे टिक करने के बाद ये आ गए कोर्सेज फी, जनरल कैटेगरी, प्रोग्राम ऑफर्ड एंड एलिजिबिलिटी और स्कॉलरशिप, ये सारे दिए गए रहते हैं, ठीक है। तो आपको कोर्सेज फी, जनरल कैटेगरी, ये आपको टिक कर देना है। ओके, बस कुछ नहीं करना, यही पे है ही। तो फीस है इंडियन स्टूडेंट, ठीक। अब आपको नीचे मिल जाएगी फीस स्ट्रक्चर फॉर एकेडमिक 2022-2023 जनरल कैटेगरी। तो अमाउंट इन इंडियन रुपीज में है, अब आपको फीस देख लीजिए यहाँ से। ओके, सारे लिस्ट ये निकले हुए हैं। तो इधर है ऑटोमोबाइल, केमिकल, सिविल, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कम्युनिकेशन वाला, फिर ये अपना कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। तो इसकी फीस जो है वो 13,84,600 रुपये है। तो ये जो फीस है ना, ये टोटल है। जैसे कि ऊपर में देखोगे आप तो ये ट्यूशन फी, तो जो आपको अगर ऑटोमोबाइल से मैं समझाऊं या तो यहाँ से भी समझ ही सकते हो आप लोग। हाँ, तो ये आपका ड्यूरेशन कॉलम हो गया और ये ट्यूशन फी। तो फर्स्ट ईयर की ट्यूशन फी है 339,900। ओके, रजिस्ट्रेशन फी है आपका 10,000। ओके, और कॉशन डिपोजिट रिफंडेबल, तो ये आपका 15,000 रुपये है, ठीक। तो अब आपको ये जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट देनी होती है वो है ये आपका 364,900। बट इसमें अब आपको ये नहीं है कि टोटल देना है, तो क्योंकि ये रजिस्ट्रेशन फी आप दे सकते हो पहले ही 10,000 जो आप इसमें अप्लाई करोगे ना, ये वाला अप्लाई नाउ पे। तो यहाँ पे आपको जब अप्लाई करने के बाद आपको जब ऑफर लेटर आ जाएगा उसके बाद आपको क्या होगा कि इसमें ये वो लोग पूछेंगे कि आपको क्या करना है, जैसे कि इसमें रजिस्ट्रेशन फीस देने हैं फर्स्ट और ट्यूशन फी देना है, तो उसका आपको इसमें पूछ लिया जाएगा। तो वहां से आप लोग कर सकते हो। तो दो बार फीस देने के लिए होती है। और हाँ, ये है कि ये वाली फीस आप इंस्टॉलमेंट में नहीं दे सकते, ये 309,000 जो ये है ये आपको इंस्टॉलमेंट में नहीं देना, ये कंप्लीट देना है, ये और ये कॉशन डिपॉजिट, ये दोनों मिलाकर जो आपकी फीस होगी तो ये आपको कंप्लीट देनी है और ये 10,000 आपको देना रजिस्ट्रेशन फीस। ओके, एंड सेकेंड ईयर का आपका फीस थोड़ा सा कम हो जाएगा क्योंकि ये कॉशन डिपॉजिट और रजिस्ट्रेशन फी नहीं है, तो सेकेंड फोर्थ थर्ड ईयर के आपके इतने ही रहेंगे। तो अगर आपके फीस इस पे हो गए हैं तो ये मत सोचिएगा अगर अगले साल का फीस इंक्रीज होता है तो कि भाई मुझे भी इंक्रीज फीस देना होगा, क्योंकि आपके जो LOA में मतलब लेटर ऑफ रिकमेंडेशन जो भी है आपका उसमें, नहीं नहीं सॉरी LOA नहीं, ऑफर लेटर में जो आपका फीस दिया रहता है वही फीस आपको पेड करनी है। ओके, तो जैसे ये कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की 13,84,600 है, तो आपको इतना पे करना होगा। अगर अगले साल बढ़ जाता है तो फिर आपको उतना देना होगा, अभी ये फीस थोड़ी सी बढ़ गई है। ओके गाइस, एंड देन हम लोग नीचे देख लेंगे। इसमें सारे लोगों के दिए, जैसे ये बीटेक लेटर एंट्री डिप्लोमा है, देखो मेरा 4,69,300 हो गया। ओके, ये फीस थोड़ी सी बढ़ गई है इस बार, मैं वही कह रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि ये 141 लाख था और ये वाला भी 141 और ये 141 है मेरा, और बट इस बार बढ़ गया है 7,100 रुपीस। एंड आपको फिर ये मैनेजमेंट के आ जाएंगे, तो मैनेजमेंट में देखो आप लोग पूरा बी का है। फिर आपका ये है फीस स्ट्रक्चर, इसका किसका है, ये आपका फैसिलिटी ऑफ डिजाइन, फिर फैसिलिटी ऑफ साइंस, फैसिलिटी ऑफ लॉ, तो ये सारे फीसेस पैसे के लिए हो गए। अब आपको ये तो NEFT कराना हो इलेक्ट्रॉनिक वाला, तो ये अकाउंट नंबर है, इस पर आप लोग ट्रांसफर करा सकते हो। और NRI जो बच्चे होंगे तो वो इस पर कराएंगे।
ओके। तो अब आप मैं आप लोग को ये कहूंगा कि इस पे कराना हो तो कराइए, या तो फिर मैंने क्या किया था कि मैं जब अप्लाई किया था तो उसी पे ऑप्शन होते हैं, आप लोग देख लेना कि मैंने फीस कैसे पेड की है, आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। मैं आई बटन में दे दूंगा। ओके गाइस, तो ये हो गया और अप्लाई करने के लिए ये ऑप्शन है। तो आई होप आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।